एक महीने से पीएल में प्रोडक्ट हंटिंग कर रहा हूँ, और आज मैं आपके सामने एक प्रोडक्ट लाया हूँ जो कि एक विनिंग प्रोडक्ट है। मेरे वो एनेबलर्स के क्राइटेरिया भी पूरा कर रहा है और उसके अलावा एक तरह से अच्छी प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट नेम है स्लिप सेट, और ये एक बेसिकली बेबी प्रोडक्ट है जो कि बच्चों को सुलाते हुए जो हम लोग मतलब छोटे कपड़े वगैरह पहनाते हैं, एक तरह से नाइट सूट वगैरह पहनाते हुए वो है। और ये प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट की इसमें आपको कंपीटिंग दिखा रहे हैं कि इसको कंपीट कितने लोग कर रहे हैं। उसके अलावा इसमें पिक वगैरह भी हैं, और ये इस तरह का है, ठीक है। इसको इसका कंप्लीटिंग जो है वो है 1000, इसको 1000 लोग मतलब के कंप्लीट कर रहे हैं ऑलरेडी, यहाँ पे बेच रहे हैं इस कीवर्ड के ऊपर, स्लिप चेक के ऊपर इसको 1000 लोग अमेजोन पे बेच रहे हैं। और हमारे जो क्राइटेरिया, साथ साथ क्राइटेरिया भी बताने का आ गया, तो क्राइटेरिया जो हमारा है वो 2000 से अबव ना होना चाहिए कंप्लीटिंग, तो इसको 1000 लोग बेच रहे हैं। इसके बाद हम लोग सर्च वॉल्यूम पे आते हैं, तो सर्च वॉल्यूम जो हमारा है ये आपको यहाँ दिख रहा होगा, सर्च वॉल्यूम हमारा 74,000 से अबव है, और एनेबलर्स का जो क्राइटेरिया है उसके मुताबिक 10,000 से अबव होना चाहिए। हम सर्च वॉल्यूम इसलिए देखते हैं कि हम जब भी अमेजोन पे कोई भी प्रोडक्ट या कीवर्ड वगैरह देखने जाते हैं तो हम सबसे पहले क्राइटेरिया के मुताबिक देखते हैं उसका सर्च वॉल्यूम। सर्च वॉल्यूम 10,000 से अबव ही होना चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा सर्च वॉल्यूम होगा तो हमारी प्रोडक्ट बिकने के चांसेस ज्यादा होंगे, ठीक है। उसके बाद सीजनलिटी और ट्रेड आ जाता है। सीजनलिटी जो क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया में सीजनलिटी 7,000 से अबव होनी चाहिए और ट्रेड 25 से अबव होना चाहिए। सीजनलिटी इसमें आप देख रहे हैं कि 7,000 से अबव है और ट्रेड भी 25 से अबव है। सीजनलिटी का मतलब ये, सीजनलिटी में हम ये देखते हैं कि आया हमारी प्रोडक्ट सीजनल तो नहीं है, जैसे कि कोई भी मतलब कोई भी फेस्टिवल आ जाता है उसमें प्रोडक्ट ऊपर जा रही है, फिर फेस्टिवल खत्म हो गया तो उसके बाद प्रोडक्ट वापस बिल्कुल जीरो पे। और ट्रेड में भी हम यही देखते हैं कि हमारी प्रोडक्ट मतलब के कंटिन्यूसली बिक रही है नहीं बिक रही। उसके बाद रेवेन्यू पे आ जाते हैं।